अस्सलाम वालेकुम। ये खाली बैग देख के आपको क्या लग रहा है कि हम लोग फिर से कोई छुट्टी के लिए जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं? जी नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे, जा रहे हैं हम। और मैं अभी पैकिंग शुरू कर रहा हूँ अपनी। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जो हर कोई इतनी आसानी से नहीं देख सकता है, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं ट्रिप पर। ये कपड़े मैंने इस्त्री करके मंगाया क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैं सोचा कि ना मैं करवा लूं बाहर से, और मैं कर रहा हूँ पैकिंग। चलो चलो हट जाओ यहाँ पर, चलो चलो बच्चे लोग बच्चे लोग बच्चे लोग। ओके लाल ये चला गया है अंदर, और कुछ मेरा सामान है वो भी जाएगा अंदर, और मिलते हैं होटल में। ठीक है चल। रॉन सेंचुरी 70,000 स्क्वायर मीटर, 20 डियर्स, 80 रिसाइकल्ड वुड, क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं दहरान सेंचुरी, यहाँ पर ऑरिक्स है, देखते हैं अंदर जाके क्या। बाहर से बड़ा अच्छा व्यू है, चलो डिस्कवर करते हैं। चलो ये इनकी टाइमिंग है और जाते हैं अंदर। ये देखो ये झाड़ यहाँ पर है सब, और हम ये दरवाजे में से घुस रहे हैं। ये ऑरिक्स, यहाँ पे ऑरिक्स है, 20 ऑरिक्स है, तो हम देखते हैं हमें कौन कौन सा ऑरिक्स मिलता है। अरेबियन रेड फॉक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर, 2.7 किलो का ही होता है। और काफी दूर ऑरिक्स नजर आए हैं। ऑरिक्स हम दूर से जूम करके देख रहे हैं, ऑरिक्स क्या है वो कुछ ही देर में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बताया कि 20 ऑरिक्स के आसपास है, और इनके लिए ख़ास एरिया बनाया हुआ है, सेंचुरी बनाई हुई है, ताकि लोग यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट में रह सके आराम से। अच्छा राउंड है यहाँ। ये सऊदी के दहरान एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे जो ऑरिक्स हैं हम से दूर से देख रहे हैं। ऑरिक्स क्या है? बेसिकली एंटेलोप बोलते हैं इंग्लिश में, या उर्दू या हिंदी में इसे हिरन बोल सकते हैं, दो सिंगों वाला। अरेबियन ऑरिक्स बोलते हैं जो अरब रीजन में है, और इन लोगों ने काफ़ी इसका ख्याल रखा गया है। यहाँ पर बाहर से व्यू दिखा देता हूँ इस सेंचुरी का, बड़ा ही अच्छा व्यू है, बड़ा ही अच्छा डेकोर है, और बड़ा ही अच्छी फेंस और गेट है। शुरुआत होती है रोमांटिक झूले से, और उसके बाद देखो यहाँ पे कितने फूल वगैरह है सब, इतने अच्छे से यहाँ का लैंडस्केप डिज़ाइन किया हुआ है। मेरी वाइफ तो देखकर इसको बोलेगी मुझे यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर फूल ही फूल है, जितनी पसंद की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर। ये अनसीन प्लेसेस है, हर कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है। देखो ये फूल के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, पैराडाइज माशाल्लाह। हमें यहाँ पर जो मेन चीज़ रिकमेंड की गई थी वो अर्थ कैफ़े है, URTH, देखते हैं अंदर जाके इनके पास क्या है। ओए होए होए, बड़ा ही मज़ेदार कैफ़े है यहाँ पर, कॉफ़ी पेस्ट्रीज, इंडोर बड़े अच्छे झाड़ लगे हुए हैं, आप अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ के खा सकते हैं। यह रहा इनका मेन्यू, और अगर आप टिप्स देना चाहते हैं तो बॉक्स भी रखा हुआ है, और चीज़ केक वगैरह, हनी केक, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, जो आपके जहन में आए सब कुछ है यहाँ पर। बड़ा ही अच्छा कैफ़े, ये हमारे साथ वालों की कॉफ़ी है, और ये मेरी पॉपा टी है जो मैंने ली है। और चलो बाहर थोड़ा सा हमने सोचा वॉक कर लेते हैं, यहाँ पे इतना अच्छा एम्बियंस है, और आपको नज़र आएगा थोड़ी देर में यहाँ पर बोस के स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनमें सूथिंग म्यूज़िक चल रहा है, बड़ा ही आरामदेह नज़ारा है। ये देखो आईना भी नज़र आएगा आपको यहाँ पर, बच्चों से ले के बड़ों तक सबके आराम की जगह यहाँ पर लगी हुई है। ये आपको अगर पता है कौन सा झाड़ है तो हमें ज़रूर बताना। बच्चों के लिए स्लाइड्स भी लगी हुई हैं, खिलौने भी लगे हुए हैं, जो आप आराम के लिए सोचना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया स्पीकर भी लगा हुआ है, जो आप सोचना चाहें। ये जगह इस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हम यहाँ काम से थे इसलिए हम यहाँ गए थे, और मैंने सोचा इतना अच्छा नज़ारा आप लोगों से छुपाया ना जाए, आप लोगों को दिखा दूँ मैं।
पॉन्ड भी है यहाँ पर, और झाड़ों के नाम भी लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से पॉट किया गया है, अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। बड़ा अच्छा ट्रिप था, सुकून सुकून ही सुकून। मैडम मेरे साथ नहीं है तो एंजॉय करे वीडियो देखकर। चलो अभी आंखों का और मन का सुकून हो गया, अभी पेट पूजा टाइम। ये रहा इनका मेन्यू और प्राइसेस। ठीक है, हम ये ले रहे हैं, दिखने में चपली कबाब है लेकिन ये एक्चुअली चपली कबाब नहीं है। ये रेस्टोरेंट जब सऊदी से बहरीन वापस होते हैं वहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पर है। मैं बताऊंगा कौन सा वाला कबाब लिया, बड़ा टेस्टी है, मैं यह दूसरी बार खा रहा हूँ, बड़ा ही मज़ेदार है। थोड़ी देर के बाद मैं खाने को बुलाऊँ। खैर का सपरा बिछाने का अच्छा टेक्निक है जो मैंने मिस कर दिया है। चलो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारा हमस और कोफ्ता आने का। तो ये आ गया सैलेड खाने से पहले स्टार्टर के तौर पे। भाई ये रहा इनका हमस, ट्रस्ट मी लास्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी था। अब आ गए खुबज, इसका मतलब है हमला करो, इसमें ला खाने को आओ हमस। कड़क पार्ट ले लिया, बिस्मिल्लाह खाने को हमस, दुनिया से हट के हमस। रोटी की खास बात ये देखो, ये साइड से और ये साइड से, दोनों साइड से सेकी हुई है। मैं बताऊंगा ये लोग कहाँ बनाते हैं रोटी, ये लोग तंदूर में नहीं बनाते। ठीक है, थोड़ी देर से बताता हूँ। ये कोई मज़ेदार कड़क कड़क खूब आई है। इनका खुबज यह बनता है, देखो नॉर्मल तंदूर में नहीं बनता है, ओवन या फॉरन में बनता है। ये रहा खुबज, निकलेगा अभी बाहर। ये देखो ये रहा इनका खुबज जो बन रहा है, और अभी अंदर से निकलेगा खुबज मज़ेदार गरम गरम कड़क कड़क। देखो दोनों साइड इसलिए क्योंकि ये लोग फॉरन में रखते हैं। ठीक है, देखो हमोस मुतबल वो सब यहाँ पर है, और ये रहा टेस्टी हमोस इनका जो अभी थोड़ी देर पहले हमने खाया। एम्बियंस अच्छा है, खाना मज़ेदार है। खाना ख़त्म हो गया, अभी देखो प्लेटें सबकी, देखो हमोस भी पूछ लिया हम लोगों ने, वहाँ पर कबाब सबके ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे फैमिली प्लेस भी है खाने के लिए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ से खाने के बाद। अगर आपको सऊदी का चक्कर लगता है तो यहाँ ज़रूर आना। ये पुरानी क्लासिक से मस्जिद, हम पहुंच गए हैं सऊदी और यहाँ पे हम खाने वाले हैं डिनर। चलो कनेक्टेड रहो हमारे साथ। हम एक्चुअली है हसा में और जा रहे हैं खाना खाने के लिए अल-अहसा। ये घर के पास जितनी चीज़ें हैं सैलेड वैलेड सब यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, और चावल अवल भी है यहाँ पर। अब डिपेंड करता है हम लेंगे क्या। मेन्यू अरबी में है, हम लोग समझ रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, लेकिन ये देखो बैठने की जगह है, और हम देखो कहाँ पर बैठते हैं। ये देखो देखो ये बैठने की जगह है, और हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे आराम से। ये सिटिंग एरिया है, ये उतारे चप्पल और गए अंदर बैठने के लिए। चलो देखो दूर दूर से आ रहा है हमारा खाना। ये रही खुबस, यहाँ पे खुबस बोलते हैं इसको, ये तंदूरी रोटी। ये पहली बार किसी रेस्टोरेंट में देख रहा हूँ, कमाची है सॉरी, ये पहला रेस्टोरेंट में देखा है जिन लोगों ने सफरी दिया फॉइल के अंदर फोल्ड करके। और केचप भी है हमारे पास, दो हमस हम लोगों ने मंगाए हैं, उसके अलावा कबाब कबाब बिन फरन। कबाब बिन फरन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है यार। एंड ये क्या था तीसरा ऑर्डर, क्या था हमारा नहीं नहीं दैट्स ओके, लेकिन नो वरीज, ये क्या था, कबाब हलवी। ओके चलो, तो इसी के साथ बिस्मिल्लाह खाने का हो, खाना तो बड़ा बड़ा। अच्छा हम लोग यहाँ पे कोल्ड स्टोर में आए हैं, 24 आवर्स खुला है, और पेट्रोल पंप पे ये एक ही कोल्ड स्टोर है जहाँ पे हम पानी लेने आए हैं और हमें मिल गया है। ठीक है अभी जाते हैं, अभी तक रूम नहीं, रूम बड़ा शानदार है, बस थोड़ी देर के बाद रूम में जाते हैं। ये देखो एक छोटा सा टूर करा दूँ आपका, पुराना सा कोल्ड स्टोर है, पुराना सा बकाला।
सब स्नैक्स के साथ हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है। अरे क्या हो, मतलब वहाँ बेरिन में नहीं है यार ये, तो अभी हम लोग ये ले रहे हैं। यहाँ पर एक जूस की दुकान भी है, हम लोग जूस लेने जा रहे हैं अभी। मुझे लेना था एवोकाडो, लेकिन एवोकाडो यहाँ पे नहीं है, यू आर नॉट इंक्लूड।